हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि कोई विंडो है जो स्लाइड हो रही है, स्लाइडर लगा हुआ है जिसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, यदि इससे पहले आपने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पर एक वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देखकर आएंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी ये वाली वीडियो। एंड एक और चीज़, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप टाइमली देख के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दे पाएँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स अब बहुत ही पास में है ना। यदि आप फूल करके स्टूडेंट हैं तो, और यदि आप IPS GDC या किसी और कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो फिर आपकी अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम होगा, क्योंकि आपका ईयरली चल रहा होगा, है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो जब हमने देखा कि जब एक सेंडर है वो मैसेज भेज देता है यदि, तो वो वेट करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए। उस एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि उस तक जो रिसीवर है उस तक मैसेज पहुंच चुका। तो कई बार ये वेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये एक फ्रेम भेजे, फिर एक्नॉलेजमेंट का वेट करे, फिर दूसरी फ्रेम भेजे, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में ये डिसाइड हुआ कि एक टाइम पर एक से ज़्यादा फ्रेम्स, अब फ्रेम क्या होती है ये भी आपको उस वीडियो में बताया गया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो एक टाइम पर एक से ज़्यादा फ्रेम्स ये भेज सकता है। अब मान लो यदि ये भेज रहा है, हम मान लेते हैं 3 फ्रेम्स, 3 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो 1, 2, 3, फिर से जो अगली आई वो 1, 2, 3 ऐसी इन्होंने कर ली। अब क्या होगा, मान लो ये 3-3 फ्रेम्स भेज रहा है, तो जब एक साथ ये क्या करेगा, 3 फ्रेम भेजेगा, तो रिसीवर के पास में भी वो 3 फ्रेम को रीड करने के लिए, स्टोर करवाने के लिए वैसा बफर होना चाहिए। तो इसकी विंडो भी कितनी होगी, एक टाइम पर 3, ठीक है। तो क्या होगा, आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में हम मान लेते हैं कि ये देखो, ये एक स्लाइडर बना हुआ है, यहां मैंने नंबरिंग 1, 2, 3 की है, यहां नंबरिंग 0, 1, 2 भी मिल सकती है आपको, अगर आप कहीं दूसरी बुक्स में या वेबसाइट्स पर देखेंगे तो। बट ओवरऑल मीनिंग ये है कि 3 पैकेट है। यदि हम 5 की बात करेंगे तो उसमें 5 पैकेट्स या 5 फ्रेम्स होगी। तो अब क्या होगा, इसमें सेंडर ने ये जो 3 पैकेट्स या फ्रेम्स थी उन 3 को एक साथ भेज दिया, किसके पास, रिसीवर के पास। तो यहां आपकी फ्रेम 1, 2 और 3 3 आ गई। जब ये 3 आई तो पहला केस बहुत स्मूथ गोइंग था, जिसमें कि मान लेते हैं हम कि इसने जो पैकेट्स भेजे वो सारे रिसीवर ने रिसीव भी कर लिए, तो 1, 2 एंड 3, तो यहां तक का अब इसके पास में पूरा आ चुका, ये विंडो आ गई। अब जो नेक्स्ट है वो कहां जाएगा, इसके बाद में जाकर के सेव होगा, ठीक है। तो जब इसके पास ये 3 आ गए तो इसने इसको क्या भेजा, एक्नॉलेजमेंट, और अब एक्नॉलेजमेंट के साथ में इसने एक नंबर भी भेजा, और वो नंबर क्या डिनोट कर रहा था कि अब इसे कौन सी फ्रेम की एक्सपेक्टेशन है। तो 1, 2, 3 पहुंच गया, नेक्स्ट फ्रेम कौन सी होना चाहिए, फिर से 1, तो यहां नंबर होगा ACK1, ठीक। या यदि आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर सकते हो। तो अगर यहां 4 है तो यहां नेक्स्ट नंबर 4 आ जाएगा, ठीक। जैसे ही इसके पास एक्नॉलेजमेंट आया, ये जो सेंडर है उसको कंफर्मेशन मिल गई कि ये एक्नॉलेजमेंट कर रहा है और 1 वाली फ्रेम मांग रहा है, इसका मतलब है कि जो मैंने 3 फ्रेम्स भेजी थी 3 वहां तक पहुंच चुकी है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने मान लो फिर से फ्रेम्स भेजी, फिर से आपकी 3 फ्रेम्स गई, ये जो स्लाइडर था अब ये आपका यहां से हट गया और स्लाइड होके कहां आ गया, इसके पास, यहां तक ये स्लाइडर आ गया आपका इन वाली 3 पैकेट्स पर। अब इसने ये 3 पैकेट्स भेजे फिर से, ठीक। तो रिसीवर के पास जब पहुंचे 1, 2 और 3, तो रिसीवर के पास यहां पर यदि हम बात करें तो 1, 2 और 3 तो पुराना वाला था ही, इसके पास में अब जो आया वो आया 1।
टू और थ्री नहीं पहुंच पाए, क्योंकि भाई नेटवर्क है, पॉसिबिलिटी है कि या तो सब सही से पहुंच जाए या फिर कोच वहां पर गुमशुदा हो जाए कुछ चीजें। तो वही चीज थी यहाँ पर कि जो वन वाला पैकेट था वो तो आ गया, बट टू और थ्री जो थे ये नहीं पहुंच पाए। तो ये क्या करेगा, ये कुछ समय तक तो वेट करेगा आने का, बट यदि वो नहीं आए तो ये क्या भेजेगा, अब ये भेजेगा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट और साथ में भेजेगा टू। यहां ध्यान रखने की बात ये है कि ये NAC के है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, जो ये बताता है कि जो सेकेंड वाली फ्रेम है इससे लेकर इसके बाद वाली फ्रेम्स नहीं आई। इसका एक मतलब और हुआ कि दूसरा नंबर फ्रेम नहीं आई, इसका मतलब पहला नंबर आ गई। तो ये जो सेंडर है इसे ये जब पता चल जाएगा तो ये वन वाली को फिर से रिपीट नहीं करेगा और वापस जो है आपकी टू और थ्री वो वाली भेज देगा। यदि टू थ्री के बाद और भी कुछ होती तो वो इस बार भी तीन भेजता, टू थ्री और वो नेक्स्ट वाली जो पैकेट होता वो। ठीक है, तो यहां से ये फिर क्या करेगा, टू और थ्री को भेज देगा। इज इट क्लियर? एक्नॉलेजमेंट के साथ में नेक्स्ट फ्रेम का नंबर डाला जाता है ये बताने के लिए कि अब हम नेक्स्ट को किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के साथ उस फ्रेम का नंबर डाला जाता है जो मिस हो गई या करप्ट हो गई। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की यदि मैं बात करूं तो ये दो टाइप की होती है। एक होती है गो बैक NARQ, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गो बैक NARQ में क्या होता है, यदि कोई पैकेट नहीं पहुंचा तो बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है कि जब ये नहीं पहुंचा तो इससे पहले वाले भी जो हैं वो पता नहीं पहुंचे होंगे या फिर नहीं पहुंचे होंगे। तो उस केस में क्या किया जाता है, जैसे यहां तो हमने टू और थ्री भेजी, बट अगर ये गो बैक NARQ होता तो ये वन को भी फिर से भेजता, तो ये पूरा जो विंडो थी इसकी 1 2 3 उसको पूरी की पूरी फिर से भेजेगा, क्योंकि ये मान के चलेगा कि जब ये फ्रेम नहीं पहुंची तो हो सकता है इससे पहले और बाद वाली भी फ्रेम्स नहीं पहुंची हों, तो ये सभी को रिपीट कर देगा। ठीक है, तो आपकी जो भी विंडो साइज होगी उस विंडो साइज के सारे पैकेट्स को ये फिर से भेज देगा। इसी का स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का ही एक दूसरा वेरिएंट होता है जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव रिपीट। ये जो सिलेक्टिव रिपीट है इसमें क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है, यहां पर यदि मान लो ये चेक करेगा कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट किसका आया, यदि टू का आया है और यदि सिर्फ टू ही ऐसी फ्रेम है जो नहीं पहुंच पाई, बाकी सारी पहुंच चुकी थी, तो ये सिर्फ उस पर्टिकुलर जो फ्रेम है उसी को क्या करेगा, रीसेंड करेगा, पर्टिकुलर फ्रेम को रीसेंड। तो इसका प्रॉफिट ये है कि अननेसेसरीली वही वाला डेटा जो पहुंच चुका है उसको फिर से दोबारा नहीं भेजा जाएगा। वो नहीं भेजने से पहला फायदा इसको स्पीड मिलेगी, दूसरी चीज डुप्लीकेसी कम हो जाएगी, है ना, तो आपकी जो रिडंडेंसी हम बोलते हैं वो कम हो गई, तो रिड्यूस्ड रिडंडेंसी या रिड्यूस्ड डुप्लीकेसी, कोई डुप्लीकेट नहीं जा रहा। तीसरी चीज, जब आप वही भेज रहे हो जिसकी नीड है, अननेसेसरी कुछ नहीं भेज रहे, तो आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो अपने नेटवर्क को। ठीक है, तो हम यह लिख सकते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेटवर्क, जबकि यही सारी जो चीजें इसके एडवांटेज है उसको ये लैग बिहाइंड कर रहा था, मतलब ये अननेसेसरीली जो पहुंच चुकी है उसको भी फिर से भेज रहा है, तो स्पीड भी कम होनी थी उतना, क्योंकि बल्क अमाउंट ऑफ डेटा अगर हो, अभी तो तीन ही थे, अगर ज्यादा हो तो फिर वो वापस जाने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज, जो आपकी डुप्लीकेसी थी वो बढ़ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जो पहले पहुंच चुका है उसको भी हम फिर से भेज रहे हैं, एंड देन क्योंकि ऐसे अननेसेसरी पैकेट्स भी हम भेज रहे हैं तो हम जो है नेटवर्क का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये थी हमारी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल और इसके दो वेरिएंट्स, गो बैक NARQ एंड सिलेक्टिव रिपीट। तो गाइस, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ तो बिल्कुल शेयर करो यार, आजकल आप नहीं कर रहे हो, और कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग, आप सभी के कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, और यदि कुछ क्वेश्चन वाले कमेंट्स होते हैं तो मैं रिप्लाई भी ज़रूर देती हूँ आपको।
है ना, हो सकता है टाइम लग जाता हो कभी, बट रिप्लाई ज़रूर मिलता है आपको। तो कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।